हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आज आया हूँ एक सर्विस सेंटर पे। पीछे आप देख पा रहे हैं ये उनकी दुकान है। और ये भैया देखिए, ये पीछे जो गाड़ी कर रहे हैं ये हैं, ये गाड़ी वाड़ी धुलते हैं। दोस्तों ये बोल और सुन नहीं सकते हैं लेकिन ये काम बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं इन्हीं के पास आता हूँ। इससे क्या होता है कि इनका सहयोग भी हो जाता है और इनका सहयोग भी हो जाता है, हमारा काम भी हो जाता है और ये पैसे भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। दोस्तों आप इनके यहाँ आ सकते हैं, इनको कुछ सहयोग भी दे सकते हैं। ये दो भाई हैं, दोनों लोग वैसे ही हैं, मतलब बोल और सुन नहीं सकते हैं। दोस्तों ये काम एक नंबर करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वाश करते हैं और आप भी इनके यहाँ आ सकते हैं। ये जौनपुर के बड़ेरी बाज़ार में इनका दुकान है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से देखिए, अब गाड़ी धुल चुकी है, इसे पोंछ रहे हैं हमारे भैया, बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये। दोस्तों भैया ने मेरी गाड़ी एकदम चमका दी है, देख पा रहे हैं एकदम नई लग रही है। तो दोस्तों आप भी अगर इनका सहयोग लेना चाहते हैं और अगर आप जौनपुर के हैं तो आप इनके यहाँ आ सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं, इनका भी थोड़ा सहयोग हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। दोस्तों जो व्यक्ति, जो लोग इधर मड़ियाहूँ या फिर मछली सर साइड के हैं, तो वो अगर इधर से कभी गुजरे हैं, मड़ियाहूँ से मछली सर का रूट है, इसी रूट पे इनका पड़ता है, तो आप इनका सहयोग ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। देखिए मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी है लेकिन फिर भी इन्होंने तो अच्छे से चमका दिया है। तो ये आपको बताया दिया था ये सुन और बोल नहीं सकते हैं, तो आप अगर इधर से आएँगे तो इनका काफ़ी सहयोग हो जाएगा।
ठीक है, इन्हें अलग से कुछ नहीं देना है, इनकी जो मजदूरी है वही देना है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, यही मुझे दिखाना था आपको।